निम्न आय विवरण को सम आकार विवरण में बदलिए। सकल विक्रय ग्रॉस सेल 2004 30,600, 2005 36,720 माइनस रिटर्न 2004 600, 2005 700 नेट सेल 2004 30,000, 2005 30,020 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2004 18,200, 2005 20,250 ग्रॉस प्रॉफिट 2004 11,800, 2005 15,770 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2004 3,000, 2005 3,400 सेलिंग एक्सपेंसेस 2004 6,000, 2005 6,600 टोटल एक्सपेंसेस 2004 9,000, 2005 10,000 इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 2004 2,800, 2005 5,770 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2004 300, 2005 400 टोटल इनकम फॉर 2004 3,100, फॉर 2005 6,170 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर 2004 400, फॉर 2005 600 नेट प्रॉफिट फॉर 2004 2,700, फॉर 2005 5,570 इस क्वेश्चन में हमको एक कॉमन सर्च स्टेटमेंट बनाना है जिसके लिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए गए हैं उनको लिखेंगे। फॉर्मेट में हम तीन कॉलम बनाएंगे जिसमें पहले कॉलम में हम पर्टिकुलर लिखेंगे और बाद के दो कॉलम को हम दो दो भागों में बांट देंगे जिसमें एक कॉलम अमाउंट का होगा और उसके बाद वाला कॉलम परसेंटेज कैलकुलेशन का होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रॉस सेल दिया गया है क्वेश्चन में। ग्रॉस सेल हम यहाँ पर लिखेंगे 2004 के लिए 30,600 और 2005 के लिए 36,720। इसमें हम जैसे कि हमने अपने फॉर्मेट में देखा कि रिटर्न माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो रिटर्न यहाँ पर 2004 के लिए 600 दिया गया है और 2005 के लिए 700 दिया गया है। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको नेट सेल मिलेगा जो कि 2004 के लिए हो जाएगा 30,000, क्योंकि हम यहाँ पे 30,600 में से 6,600 माइनस कर दे रहे हैं, तो नेट सेल 2004 के लिए हो जाएगा 30,000 और 2005 के लिए हो जाएगा 36,720 माइनस 700 यानी 36,020। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 18,200। तो जब जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 2004 के लिए 18,200 और 2005 के लिए 20,250, तो यहाँ पर जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे नेट सेल में से तो हमको जो मिलेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 2004 के लिए होगा 11,800 और 2005 के लिए होगा 15,770। इसमें से हमको माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो कि क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2004 के लिए 3,000 और 2005 के लिए 3,400। नेक्स्ट सेल्स एक्सपेंसेस दिया गया है इसके अंतर्गत 2004 के लिए 6,000 और 2005 के लिए 6,600। टोटल एक्सपेंसेस अगर हम करें तो ये 9,000 हो जाता है 2004 के लिए और 10,000 हो जाता है 2005 के लिए। अब अगर हमको इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट है 11,800, इसमें से हम टोटल एक्सपेंस 9,000 माइनस कर देते हैं तो 2004 के लिए हमारा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है 2,800 और वैसे ही 2005 के लिए हमारा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है 15,770 माइनस 10,000 यानी कि 5,770। अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 2004 के लिए 300 और 2005 के लिए 400, इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम हमारी हो जाएगी 3,100 फॉर 2004 एंड फॉर 2005 6,170। इसमें से हम माइनस कर देंगे, हमने अपने फॉर्मेट में देखा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हम उसको माइनस कर देते हैं टोटल में से, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया गया है क्वेश्चन में 2004 के लिए 400
और 2005 के लिए 600, इसको हम जब माइनस कर देंगे टोटल इनकम में से तो हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो 2004 का हमारा नेट प्रॉफिट है तो 2700, और 2005 का हमारा नेट प्रॉफिट हमको मिल गया 5570। अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज की। हम ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लें कि ये जो ग्रॉस सेल है ये नेट सेल का कितना परसेंट है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रॉस सेल जो है ये 30,600 है और नेट सेल जो है वो 30,000 है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे 30,600 into 100 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये हो जाएगा 102%। उसके बाद रिटर्न की कैलकुलेशन हम करेंगे परसेंटेज पे, तो ये हो जाएगा 600 into 100 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी कि 2%। और नेट जब हम सेल कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा कि ग्रॉस सेल में हम रिटर्न माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे परसेंटेज में भी हम माइनस करेंगे यानी कि 102 माइनस 2 यानी 100% नेट सेल में आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही 2005 के लिए भी हम कर लेंगे यानी 36,720 जो ग्रॉस सेल है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे नेट सेल पे, तो ये हो जाएगा 36,720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36,020, तो ये हो जाएगा 101.94%। और इसी तरह हम इसके रिटर्न की भी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 36,020 यानी कि 1.94%। और इसका नेट सेल अगर हम परसेंटेज पे कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 101.94 माइनस 1.94 यानी कि 100। अब इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की हुई है तो इसका भी हम इसी तरह से परसेंटेज कैलकुलेट कर लें जो कि हम ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 18,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11,100, तो ये आएगा आपका 60.67% फॉर 2004। और इसी तरह से हम अगर इसको टोटल में निकाले तो क्योंकि माइनस हमको करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हम नेट सेल 100 में से 60.67% माइनस करेंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो मिल जाएगा 2004 के लिए 39.33%। और बिल्कुल इसी तरह हम 2005 के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे यानी कि ये जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज पे वो होगी ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे, तो ये हो जाएगा 20,250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15,770 और ये आएगा 56.22%। और ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल भी हम इसी तरह कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि हमने नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, तो परसेंटेज भी हम माइनस कर देंगे यानी कि 100 माइनस 56.22, तो 2005 के लिए टोटल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 43.78%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लें तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का जो परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल पे, तो ये हो जाएगा 3000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी कि 10%। और बिल्कुल इसी तरह हम सेल्स एक्सपेंस का भी टोटल सेल पे नेट सेल पे ही कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी कि 20%, और टोटल हो जाएगा ये 30%। बिल्कुल इसी तरह 2005 के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो इसकी भी कैलकुलेशन हम नेट सेल पे करेंगे क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। 3400 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 36,020 जो कि 2005 का नेट सेल है इस पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 9.43%। और सेल्स एक्सपेंसेस की भी हम इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 6,600 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 36,020 यानी कि 18.32%। टोटल हम कर लेंगे इसका दोनों क्योंकि ऐड हुए, तो ये हो जाएगा 2005 के लिए 27.75%। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 2,800 है, तो इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है नेट सेल पे। नेट सेल यहाँ पर दिया गया है 30,000 और इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हम कैलकुलेट करेंगे 2,800 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये हो जाएगा टोटल 9.33%। और बिल्कुल इसी तरह हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हो जाएगा 300 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी कि 1%,
और टोटल हम इसका लिख देंगे क्योंकि ऐड होके आता है टोटल इनकम में, तो टोटल इसका आ जाएगा 10.33। बिल्कुल इसी तरह 2005 के लिए हम कर लेंगे, तो 2005 का इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है 5770। इसकी कैलकुलेशन हम कर लें नेट सेल पे, तो ये हो जाएगा 5770 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36040, तो ये हो जाएगा 16.01%। और इसी तरह हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम की कैलकुलेशन कर लें टोटल सेल पे यानी नेट सेल पे, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36020, तो ये आ जाएगा 1.11%। और टोटल अगर हम इनका करें तो ये 2005 के लिए आ जाएगा 17.12%। इसमें से हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, इनकी कैलकुलेशन हम कर लें, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा 400 है। इसकी कैलकुलेशन भी हम नेट सेल के बेस पे ही करेंगे परसेंटेज की, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30,000 1.33%। और 2005 के लिए हो जाएगा 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36,020 जो कि नेट सेल है उसकी, तो ये हो जाएगा 1.66%। और नेट प्रॉफिट हम निकाल लें क्योंकि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला है, तो परसेंटेज में भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि 10.33 माइनस 1.33 यानी 9% फॉर 2004 एंड 17.12 माइनस 1.66 यानी कि 15.46 फॉर 2005। निम्न सूचनाओं से सम आकार आय विवरण तैयार कीजिए। शुद्ध विक्रय 2010 1 लाख, 2011 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70% फॉर 2010 70% ऑफ सेल, फॉर 2011 74.8% ऑफ सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2010 8,000, 2011 9,000। इनकम टैक्स रेट फॉर 2010 50%, फॉर 2011 50%। इस क्वेश्चन में हमको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमको 2010 और 11 के जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको लिखना है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले पर्टिकुलर लिखेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट को हम 2010 और 11 में बांट देंगे, और वैसे ही परसेंटेज ऑफ नेट सेल को भी हम 2010 और 11 दो भागों में बांट देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे नेट जो कि 2010 का है 1 लाख और 2011 का है 1 लाख। इसमें हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 2010 के लिए है 70,000 और 2011 के लिए है 74,800। तो माइनस करने के बाद जब हम नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिल जाएगा जो कि 2010 के लिए आएगा 30,000 और 2011 के लिए आएगा 25,200। इसमें हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको दिया गया है 2010 के लिए 8,000 और 2011 के लिए 9,800, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 2010 का आएगा 22,000 और 2011 का आएगा 15,400। अब क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स भी दिया गया है तो हम टैक्स भी माइनस कर देंगे जो कि 2010 का है 11,000 और 2011 का है 7,700। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स भी माइनस कर दिया तो अब हमको जो मिलेगा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 2010 के लिए हो जाएगा 11,000 और 2011 के लिए हो जाएगा 7,700। अब क्योंकि हमने 2010 और 11 की एब्सोल्यूट अमाउंट कैलकुलेट कर ली है तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, और हमको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे परसेंटेज हमको नेट सेल के बेस पे निकालना है। तो 2010 में हम देख रहे हैं कि जो हमारी नेट सेल है वो है 1 लाख 1 लाख यानी 100% हो जाएगा, और इसी के बेस पे फिर अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अदर जो यहाँ पर एक्सपेंस एंड इनकम दी गई है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिख रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 2010 के लिए है 70,000, तो इसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे नेट सेल पे, तो ये हो जाएगा 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख यानी कि 70%। और 2011 के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 74,800, इस पे जब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 74,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख यानी 74.8%।
अब क्योंकि नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुआ था और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया था, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे परसेंटेज को, यानी कि 2010 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 30% और 2011 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 25.2%। इसमें से हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2010 के लिए है 8000 और इसका जब हम नेट सेल पे परसेंटेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 8%, और 2011 के लिए हो जाएगा 9800 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 9.8%। और अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 2010 के लिए 30 माइनस 8 22, और 2011 के लिए 25.2 प्लस 9.8 15.4। इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स, तो टैक्स जो है वो 2010 के लिए है 11000, इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे सेल के बेस पे, तो ये हो जाएगा 11000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी 11%, और 2011 के लिए हो जाएगा 7700 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 7.7%। और क्योंकि हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला था, तो परसेंटेज में भी हम माइनस कर लेंगे, यानी कि 2010 के लिए हो जाएगा 22 माइनस 11 यानी 11% नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड फॉर 2011 15.4 माइनस 7.7 7.7% नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसी एनालिसिस के अंतर्गत एक एनालिसिस हम करते हैं जिसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस, यानी कि अनुपात विश्लेषण। हालांकि अनुपात विश्लेषण से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हम इस अध्याय में हल नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इसकी मीनिंग जान लेना यहाँ जरूरी है, क्योंकि हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, विश्लेषण की बात कर रहे हैं, तो किन किन आधारों पर विश्लेषण किए जा सकते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो बात अगर हम करें अनुपात विश्लेषण यानी कि रेशियो एनालिसिस की, तो वास्तव में ये एक ऐसा एनालिसिस होता है जिससे वित्तीय विवरण के अंतर्गत जो मदें दी जाती हैं उनका एक अनुपातिक विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा कि जब हम वित्तीय विवरण बना रहे थे तो वहाँ पर हम लाभ हानि से संबंधित एक विवरण हमने बनाया जिसमें हम बहुत सारे लाभ और हानियों की एंट्री करते गए। जब हमने स्थिति विवरण बनाया तो हमने देखा कि हमने बहुत सारे संपत्ति और दायित्व की एंट्री की। अब इसके अंतर्गत जिन मदों को लिखा गया उनका आपस में क्या संबंध है, उनका अगर रेशियो कैलकुलेट किया जाए, रेशियो के बेस पे अगर उनका एक एनालिसिस तैयार किया जाए, तो क्या स्थिति होगी, किस व्यापारिक या किस वित्तीय स्थिति को वो प्रदर्शित करेंगे, इन सब चीज़ों को एक साधारण तौर पर जान लेने की ये पूरी प्रक्रिया है जिसे हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो होता है वो एक कंपनी की जो वित्तीय स्थिति होती है उसकी एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना होता है, और संपत्ति दायित्वों के विभिन्न मदों का, आय व्यय की विभिन्न मदों का और लाभ हानि के विभिन्न मदों का आपस में क्या अनुपात है, कैसा रिलेशन है, इसका पता इसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो फिलहाल रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्रियात्मक प्रश्नों को अभी हम हल नहीं करेंगे। अगला जो एक एनालिसिस आता है वो होता है कैश फ्लो एनालिसिस, यानी कि रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये रोकड़ के प्रवाह को, कैश के फ्लो को बताता है। व्यापार व्यवसाय की पूरी गतिविधि में हमने देखा कि रोकड़ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कितना पैसा व्यापार में आया और कहाँ से आया, कितना पैसा व्यापार से गया और कहाँ गया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसकी जानकारी कम से कम हर व्यवसाय को होनी चाहिए। तो कैश फ्लो के माध्यम से हम एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिससे बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि कहाँ से पैसा हमारे पास आया, किन किन मदों से आया और कहाँ कहाँ पर हमने उस पैसे को खर्च किया, और इसके बाद रोकड़ की हमारे व्यवसाय में क्या स्थिति है। अब इस तरह का एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि कैश की एक्चुअल जो पोजीशन है, वास्तविक जो स्थिति है, उसका पता लगा के हम उसके आधार पर बजट बना सकें, या हम कह सकते हैं कि भविष्य की हम योजनाएं बना सकें या व्यावसायिक नियोजन कर सकें। बात करें अगर हम कैश एनालिसिस की, तो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में हम इसको तैयार करते हैं।
इस अध्याय में नहीं, लेकिन फिलहाल आगे के अध्याय में हम कैश एनालिसिस को बहुत अच्छे से जानेंगे और इसके क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। और फिलहाल ये जान लें कि इस तरह के प्रारूप में कैश फ्लो बनाया जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो ये तीन भागों में बटा होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, संचालन संबंधी जो रोकड़ प्राप्त होती है उसके बारे में इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब हमने व्यवसाय का संचालन किया तो उस दौरान कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च हुआ और कहाँ कहाँ से हमको आय प्राप्त हुई। हमने कच्चा माल खरीदा, हमने कच्चा माल खरीदा तो वहाँ पर हमको कुछ खर्च करना पड़ा। हमने निर्मित माल बनाया, वहाँ हमको कुछ खर्च करना पड़ा। उस निर्मित माल को बेचा तो वहाँ पे हमारे पास कैश आई। तो ये सारा कुछ रिलेटेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कि व्यापार संचालन से। दूसरे इसके बिंदु की हम बात करें जिसे हम कहते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोग संबंधी क्रियाओं में जिस रोकड़ का प्रयोग किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय से संबंधित जो रोकड़ का आना जाना होता है उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। और तीसरा जो बिंदु आता है वो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस यानी कि वित्त। पहले भी हमने बहुत बार देखा कि एक कंपनी को अपनी वित्त की व्यवस्था कई अलग अलग सोर्सेस से करनी पड़ती है। कई बार वो बाहरी किसी व्यक्ति से ऋण लेता है, बैंक से ऋण लेता है, या फिर हमने देखा कि किस प्रकार से कंपनी अपने फाइनेंस की व्यवस्था के लिए शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है और फाइनेंस उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसी का लेखा जोखा करने के लिए कि कहाँ से फाइनेंस की व्यवस्था हुई, किस प्रकार हुई और वास्तव में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस पूरे का पता इसके अंतर्गत लगाया जाता है। फिलहाल इसकी मीनिंग जान लेना ही पर्याप्त होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद जो एक अगला एनालिसिस होता है वो होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कोष प्रवाह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंतर्गत फंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस फंड को हम फाइनेंस से ही जोड़कर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो लाभ हानि विवरण है या हम स्थिति विवरण बनाते हैं तो वहाँ पर जो लाभ हानि विवरण होते हैं वो परिवर्तन को बताते हैं। जैसे कि हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि परिवर्तन किस प्रकार हुआ, पहले लाभ कितना था, अब लाभ कितना है, बढ़ा कि घटा। या फिर जब हम स्थिति विवरण बनाते हैं तो हम देखते हैं कि संपत्ति की क्या स्थिति है, दायित्व की क्या स्थिति है, और गत वर्ष से जब हम उन संपत्ति और दायित्व की स्थिति को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक चेंजेस क्या आया, बहाव किस साइड है, बढ़ रहा है या घट रहा है। इतनी चीज़ों की जानकारी तो हमको वित्तीय विवरणों से हो जाती है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, प्रॉफिट या लॉस कम ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, संपत्ति या दायित्व का मूल्य कम ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। और फिलहाल यहाँ पर हमको केवल एनालिसिस के कितने टाइप, कितने तरह के विवरण बनाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करना था। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि किस प्रकार फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। तो आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट के प्रारूप पर एक नज़र डालें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार हम फंड फ्लो का एक प्रारूप बनाते हैं। आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी मदों को किस किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। तो आपने देखा कि फंड फ्लो के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मदों को एक प्रारूप के तहत लेखाबद्ध किया जाता है। और फिलहाल यहाँ यह जान लेना ही जरूरी है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है और क्या इसका प्रारूप होता है, किस तरह से हम उसमें प्रविष्टि करते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि फंड फ्लो के क्रियात्मक प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है।